आज बरगद अमावस्या है, आज बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और अपने पति के लिए खीर रखा जाता है, आज पूजा की जाती है। क्या क्या किया जाता है? खरबूजा, आम से और चने से पूजा की जाती है, आरती की जाती है, फेरे 12 फेरे लिए जाते हैं और अपने पति के लिए खीर। आज बरगद अमावस्या है और बट सावित्री भी लोग बोलते हैं, और इसमें 12 फेरे लिए जाते हैं, पति के लिए किया जाता है और सुहागिन औरतें करती हैं। आज हम लोग माला, धागे का माला बनाते हैं जिसे नौलखा हार कहते हैं हम लोग, और एक दूसरे को पहनाते हैं, और चना खरबूजा अमिया से पूजा करते हैं, चढ़ाते हैं। वट सावित्री का व्रत है, इसमें भी बरगद के पेड़ को विष्णु जी का अवतार मान के इसकी पूजा हम लोग करते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। इसमें कच्चे धागे का, ये जो सूत का बोलते हैं, इसका माला बनाया जाता है और इसी से 12 चना लेकर फेरे लगाया जाता है। तो आपने क्या क्या किया आज? अब सुबह से हम लोग नहा धो के पहले यहाँ आए पूजा करने, माला बनाए, कच्चा धागे से मतलब 12 फेरे लिए चना चढ़ाते हुए, उस पर खरबूजा और आम चढ़ाया जाता है। सावित्री का पूजा है आज, औरतें अपने आदमी के लिए पूजा करती हैं। और आज क्या क्या किया आज? आज आज पूजा कर गंगा जी नहा जाएंगे, अभी बनाएंगे सब कुछ, तब फिर आएंगे पूजा करेंगे 12 बजे। आज के दिन जो है वट सावित्री का वो है, इसी आस्था से हम लोग संगम नहाने आए हैं अपने पति की लंबी उम्र मांगने के लिए, और बड़ की पूजा होती है और पूजा में वही फेरी लगाते हैं, सब चढ़ाते हैं, फल फूल पुए पंखे जो है घड़ा, मतलब दान सब किया जाता है। और यही सावित्री जो है यमराज के उसमें मांगी थी वरदान, वही की आस्था से ये सब नहाने का और पूजा करने का आज आस्था यही इसी में है। आप लोगों ने सावित्री सत्यवान का नाम सुने होगा है? नहीं तो सावित्री जी जो जो पूजा पाठ किया अपने पति के लिए, तो जो क्योंकि पति की मृत्यु हो चुकी है और यमराज के पास जा चुका है, लेकिन यमराज को इतना उन्होंने अपने पति व्रत के बल से इतना उसके ऊपर अपना प्रभाव डाला क्योंकि पति को वापस आना पड़ा और तमाम आशीर्वाद ससुर सास के लिए मांगा राज। इसलिए आज का जो व्रत हमारा है बट सावित्री का बरगद के पेड़ के नीचे, तो भारत की जो महिलाएं हैं सनातन धर्म मानने वाली, वैदिक धर्म मानने वाली, भगवान को मानने वाली, वो सब पति की आयु को बढ़ने के लिए संगम पर नहा करके और बट के परिक्रमा 108 करती हैं और उसका पूजा करती हैं। इससे उन्हें उनकी आयु भी, पति की आयु भी, परिवार का मंगल में होना, ये सब का प्राप्त होता है। खासकर गंगा स्नान करके ये सब काम किया जाता है और यह बहुत विशेष महत्व भारतीय नारियों के लिए। विष्णु अवतार ही मानती हैं और शनि का भी विशेष दिन है, इसलिए आप लोग सुनिए कि प्रयागराज में किसी भी प्रकार पूजा की जाए तो अक्षय फल प्राप्त, अवाद की न और फल प्राप्त होता है।